हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स पानी के साथ कलर्स को यूज़ करके कैसे अपने केक पर मार्बल इफ़ेक्ट, ग्लेज इफ़ेक्ट दिया जाता है उस मेथड को मैं आपको बहुत ही स्मार्ट सी ट्रिक के साथ करना बताऊंगी, ताकि आप अपने केक को एक तो फटाफट से डेकोरेट कर पाए और साथ ही एकदम हटकर आपका डिज़ाइन बने। और घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए आपको महंगे सामान, महंगे टूल्स की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मार्बल इफ़ेक्ट या फिर ग्लेज इफ़ेक्ट देते वक्त आपका केक एकदम शाइनी लगे, उससे रिलेटेड सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक एकदम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब फ्रेंड्स मैं कलरफुल मार्बल इफ़ेक्ट इस केक पर दूंगी ना, तो आपकी आइज़ को इतना प्यारा सा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केक की आइसिंग अच्छे से कर ली है। आपका केक कितना भी बड़ा हो, चौड़ा हो, लंबा हो, टॉल हो, आप आइसिंग ठीक से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं एक प्लास्टिक शीट को यूज़ करके केक की जो ऊपर की एज है उसे थोड़ा सा गोल कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और उसके ऊपर मैंने बाउल लिया है, उल्टा करके रख दिया है। और यहाँ पर अब केक को इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इस तैयारी को हमें पहले ही करके रखना है। अब आज के ग्लेज इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है। तो आधा केजी के केक के लिए हमें लगभग 100 ग्राम चॉकलेट यूज़ होगा। मैंने इसको देखिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी। और इसको अब हम माइक्रोवेव में गर्म करके अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवन ना हो तो आप गर्म पानी के नीचे रख करके भी इस बाउल को ऊपर रख करके फिर इसे मेल्ट कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड किया है। और ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश जो है बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। अब हम फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ जेल कलर्स की ड्रॉप्स डालेंगे। आप जितने भी कलर्स डालना चाहें डाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा डालेंगे तो मार्बल इफ़ेक्ट बहुत ही प्यारा आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए पिंक कलर की, येलो कलर, जेल कलर की और कुछ ग्रीन कलर की डॉट्स डाल रही हूँ। आपके पास अगर लिक्विड कलर है फ्रेंड्स तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस पाउडर कलर को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और बस हल्का सा देखिए मैंने एक टूथपिक को इसमें रोटेट किया है। स्पून से आपको इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। और बस फ्रेंड्स हल्के गुनगुने यानी कि ल्यूक वार्म स्टेज पर ही हम इस गनाश को अपने केक के ऊपर दाएं बाएं रोटेट करते हुए डालते जाएंगे और बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट हमारे केक पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कलर्स की तो बहुत ही लाइट शेड केक पर आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों को लाइट शेड पसंद होते हैं, तो आप यहीं पर अपने गनाश को डालना बंद कर दीजिए, आपका लाइट शेड का केक रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डार्क शेड पसंद है मेरी तरह, तो आप इस पूरे गनाश को केक पर इस तरीके से लास्ट में रोटेट करते हुए जब डालेंगे तो आपके सारे डार्कर शेड लास्ट में जो होते हैं वो केक पर आ जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब आपके केक पर से वो नीचे आएंगे तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा सा ये नज़ारा है। और इस तरीके से आपका केक भी बहुत ही सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इस बोर्ड को थोड़ा सा शेक कर सकते हैं ताकि गनाश जो है वो पूरा इवनली स्प्रेड हो जाए। और लगभग 30 से 40 सेकेंड रुकने के बाद आप चाहें तो बोर्ड पर जो गनाश गिरा हुआ है उसको स्पून से कलेक्ट करके इस तरीके से साइड को कवर कर सकते हैं। और आप ये ना सोचें कि इससे डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, इससे भी बहुत ही प्यारा सा और अलग सा डिज़ाइन आपका तैयार होगा। तो देखिए मैंने पूरे गनाश को केक पर डाल दिया है और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं प्लेट में ही स्पून से गिरा रही हूँ। और इस तरीके से गनाश को डालने के बाद आप अपने बोर्ड को क्लीन करके उसे प्लेट से रिमूव कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने इसमें कोई न्यूट्रल जेल भी नहीं डाला, कोई और शाइनिंग के लिए कोई और चीज़ भी नहीं डाली और हमारा केक कितना सुंदर बन करके रेडी हुआ है, वो भी मिनटों में। अब आप चाहें तो नीचे की तरफ इसकी एजेस को थोड़ा सा इवन दिखाने के लिए आप पाउडर बना सकते हैं इस तरीके से। और हमारा मार्बल इफ़ेक्ट जिसे ग्लेज इफ़ेक्ट भी कहते हैं, वो केक पानी से और चॉकलेट से बनकर के रेडी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास वाइट चॉकलेट कंपाउंड ना हो तो आप घर में उसको बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैंने पोस्ट कर दी है। नहीं तो आप 5 से 10 रुपये की जो मिल्की बार चॉकलेट आती है उसको यूज़ करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इस केक को ऐसे ही सर्व कीजिए, इसकी साइड में कुछ लिख सकते हैं, कोई टॉपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ गोल्डन या सिल्वर बॉल्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से गैलेक्सी केक भी बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके, उसका मेथड भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। आज का ये डिज़ाइन, आज का ये मेथड, आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बार कुछ नया सा देखने और सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से देखिए मैंने किसी के बर्थडे के लिए ये केक बनाया था,
मैंने उसे बॉक्स में रखा और मैंने यहाँ पर अपने चैनल से रिलेटेड कुछ स्टिकर्स भी बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने अपना व्हाट्सअप बिजनेस नंबर भी दिया हुआ है। और देखिए, मिनटों में हमारा केक डेकोरेट हो गया है। तो इसी तरीके की नई सी डेकोरेशन, नई सी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलती हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।